हरियाणा के 22 में से 14 जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए लोग जमीन से 137% ज्यादा पानी खींच रहे हैं। भूजल दोहन के मामले में हरियाणा देश भर में तीसरे नंबर पर है, जबकि हरियाणा एक छोटा राज्य है। हालात ये हो गए हैं कि हरियाणा के 119 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए, इनमें से 64 तो अति दोहित की श्रेणी में आ गए हैं। इन हालात से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने खेत तालाब योजना में किसानों को पूरा 100% सब्सिडी देने का फैसला किया है। खेत तालाब सब्सिडी क्या है, कैसे 20 लाख रुपए मिलेंगे, ये बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे हरियाणा सरकार की किसानों के लिए लागू की गई टॉप 5 सब्सिडी स्कीम्स के बारे में। फ्रीडम फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खेत तालाब योजना की। जल संकट से जूझ रहे हरियाणा में सरकार ने फार्म पोंड या तालाब बनाने के लिए एक परियोजना तैयार की है ताकि सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो, किसानों को पूरा पानी मिले। पानी की कमी होगी तो खेती प्रभावित होगी, जिससे किसानों की आय पर बुरा असर पड़ेगा। अब हरियाणा सरकार ने व्यक्तिगत और सामुदायिक तालाब निर्माण पर सब्सिडी देने का फैसला किया है और ये सब्सिडी 70% से लेकर 100% तक है। सब्सिडी की यह रकम है दोस्तों वो 20 लाख रुपए तक है। इसके लिए खुशहाल बागवानी पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो आवेदन करने वाले किसान हैं उनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी अपनी ज़मीन और फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद उनको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की योजना के मुताबिक सामुदायिक श्रेणी में यानी कि कई किसान मिलकर अगर एक तालाब बनाते हैं तो इसकी क्षमता होगी वो 66.5 लाख लीटर होगी, यानी कि 66.55 लाख लीटर भराव क्षमता वाला ये तालाब होगा और इस तालाब पर सरकार आपको पूरी 100% सब्सिडी देगी, यानी कि जितना पैसा इस तालाब को बनाने पर लगेगा उसका पूरा का पूरा पैसा है वो सरकार आपको देगी। और इसके लिए जो अनुमानित प्रति इकाई जो खर्च है दोस्तों वो 20 लाख रुपए तय किया गया, यानी कि 20 लाख रुपए आपको इस सामुदायिक तालाब के लिए सब्सिडी मिल जाएगी और सरकार है वो इस पर 100% आपको अनुदान देगी और इसके तहत अधिकतम अनुदान है वो 50 एकड़ का होगा, यानी कि आप 50 एकड़ इलाके के किसान मिलकर इस तालाब को बना सकते हैं। और दोस्तों, जो दूसरी कैटेगरी है वो है व्यक्तिगत श्रेणी की, यानी कि किसान अपने खेत में तालाब बना सकता है तो उसकी क्षमता है वो 31.5 लाख लीटर तक होगी और इस तालाब की जो अनुमानित लागत है वो 10 लाख रुपए मानी गई है, तो सरकार इसमें आपको 70% अनुदान देगी, सब्सिडी देगी। तो एक किसान को 10 लाख अगर उसकी लागत है तो उसको 7 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। इसके तहत तो जो अधिकतम अनुदान क्षेत्र है वो 25 एकड़ होगा, यानी कि 25 एकड़ पर आपका ये एक व्यक्तिगत तालाब आप बना सकते हैं और सामुदायिक तालाब है वो 50 एकड़ के लिए बनेगा। और दोस्तों, जो दूसरी सब्सिडी स्कीम है वो है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग सब्सिडी, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। हरियाणा सरकार ने किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है और सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 1,20,000 रुपये तक की सब्सिडी का फैसला किया है। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ में खेती के लिए सब्सिडी ले सकता है, यानी कि एक किसान है वो एक एकड़ के लिए 1,20,000 रुपये सब्सिडी ले सकता है तो 10 एकड़ के लिए वो 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी ले सकता है और प्रति एकड़ सब्सिडी है वो आपको 70,000 रुपये मिलेगी एक किस्त में और दूसरी किस्त आपको 50,000 रुपये की मिलेगी। दोस्तों, जो 70,000 रुपये आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रेलिसिंग सिस्टम या जाफरी जाली के लिए आपको मिलेगी, यानी कि खेत की चारों तरफ बाड़ या दूसरी व्यवस्थाओं के लिए 70,000 रुपये मिलेंगे और 50,000 रुपये आपको ड्रैगन फ्रूट के पौधे खरीदने और लगाने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, ये सब्सिडी लेने के लिए आप हरियाणा बागवानी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए फसल विविधीकरण योजना लागू की है और इसका नाम दिया है मेरा पानी मेरी विरासत। दोस्तों, इस स्कीम में जो किसान धान की खेती छोड़ रहे हैं उनको हरियाणा सरकार है वो सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, इस योजना में धान की बजाय कम पानी वाली फसल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है
और चावल की खेती छोड़कर बागवानी, सब्जी, चारा, मूंगफली, मूंग या दूसरी दलहन फसलें जिनमें सोयाबीन और ग्वार भी शामिल है, ये अगर फसल किसान उगाते हैं तो उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और 2021 तक इस योजना में 96,000 एकड़ किसानों ने धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलें उगाई थी और उन्होंने इस सब्सिडी का लाभ उठाया था। दोस्तों, चौथी स्कीम है कृषि यंत्र अनुदान योजना। हरियाणा सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। इसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों सरकार मिलकर किसानों की मदद करती है। कृषि यंत्र की खरीद पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान 10 तरह के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और इन पर 80% तक आर्थिक सब्सिडी ले सकते हैं, आर्थिक मदद सरकार से ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो यंत्र हैं कौन कौन से, ये आपको बता दूं। लेजर लैंड लेवलर पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है उस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ट्रैक्टर ड्रिवन राइस ड्रायर है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, ट्रैक्टर ड्रिवन पाउडर वीडर है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, पैडी ट्रांसप्लांटर पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी, और इस योजना में आपको स्ट्रा बेलर है उस पर भी सब्सिडी मिलने वाली है, रिपर बाइंडर है उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी, हेरेक मशीन है उस पर भी सब्सिडी मिलेगी, रोटावेटर पर भी सब्सिडी मिलेगी, और मोबाइल श्रेडर है वो भी इस सब्सिडी के तहत आता है। तो दोस्तों, सब्सिडी लेने के लिए किसान हरियाणा कृषि विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम आपको बता दूं, agrihariana.gov.in, इस वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है दोस्तों, agrihariana.crm.com, इस पोर्टल पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। तो वेबसाइट एक बार फिर से बता दूं, agrihariana.gov.in, और दूसरी वेबसाइट है agrihariana.crm.com, इन दोनों पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, पांचवी जो सब्सिडी है वो है कपास की खेती पर सब्सिडी। हरियाणा सरकार ने किसानों को कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है। सरकार कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। जो किसान अपने खेत में कपास की फसल बोएंगे उनको प्रति एकड़ 3,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, यानी कि अनुदान मिलेगा। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन करना होगा, यानी कि हरियाणा के कपास की खेती करने वाले किसान इस सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, और वो सरकार को जानकारी देकर उसमें जो आवश्यक कागज़ है वो लगाकर अगर आप पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 3,000 रुपये सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी हैं उनको भी इस सब्सिडी के बारे में फ़ायदा मिल सके, उनको इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी नई टेक्निक सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर आपको खेतीबाड़ी से जुड़े कोर्सेज मिलेंगे और आप एक एकड़ में बेहतर ढंग से खेती करके ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके सीख सकेंगे। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फिनांस के कोर्सेज भी होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।